हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि किस प्रकार से हम पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करवा सकते हैं और कैसे कैसे होल्ड करवाएंगे, वो प्रोग्राम हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं हेडर फाइल बना लेता हूं हैश इंक्लूड stdio.h। फिर यहां पे मेन फंक्शन बनाऊंगा मैं, तो ये मेन फंक्शन हमने बना लिया इंट मेन, कर्ली ब्रैकेट लगाता हूं। अब यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर वेरिएबल डेटा टाइप मेंशन करना है। तो इंट टाइप का डेटा टाइप मैं ले रहा हूं और एक वेरिएबल बना रहा हूं ए नाम का, और इसमें स्टोर करा दे रहा हूं 50। ठीक है, कितना स्टोर कराया मैंने 50। अब यहां पर एक और मैं इंट टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूं और इसमें मैं पॉइंटर वेरिएबल लूंगा। पॉइंटर का संकेत क्या होता है, कैसे पता चलता है पॉइंटर वेरिएबल है? यहां देखिए मैंने लिखा है स्टार पी, तो ये स्टार सिंबल जो है पॉइंटर का प्रतीक होता है, इससे पता चलता है कि ये पॉइंटर है। ठीक है, अब चलिए ये जो p है ना, ये जो हमने p नाम का वेरिएबल लिया है जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें हम एड्रेस ऑफ a होल्ड करवा रहे हैं। ठीक है, यानी a का एड्रेस इसमें होल्ड करवा दे रहा है। अब यहां पर हम लगाएंगे प्रिंट एफ। अब इसमें हमको देखना है, समझना है कैसे कैसे हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहां प्रिंट एफ लगाया हमने, बैकस्लैश n लगाता हूं सबसे पहले ताकि लाइन ये चेंज होती रहे। अब यहां पर मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, देखिए ये जो है ना पहला वाला प्रिंट एफ, इसमें मैं वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करवा रहा हूं। क्या प्रिंट करवा रहा हूं, वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है 50 है, तो जाहिर तौर पे 50 प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहां 50 प्रिंट हो जाएगा। अब यहां पर मैं चूंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात आती है तो परसेंट डी दे देंगे, ठीक है, कॉमा देंगे, और किसकी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, ए में जो वैल्यू रखी है वही प्रिंट करवानी है, तो यहां ए दे दिया हमने। और फिर प्रिंट एफ लिखता हूं, प्रिंट एफ लिखा हमने, ठीक है, प्रिंट एफ जैसे लिखूंगा तो अब यहां पे बैकस्लैश एन दे दूंगा सबसे पहला काम। ठीक है, अब यहां पे क्या देंगे हम, एड्रेस ऑफ लिखेंगे। ठीक है, एड्रेस ऑफ, ठीक है, एड्रेस ऑफ किसके, ये दे दिया हमने, और यहां पे दे देंगे परसेंट डी। ठीक है, यहां पे परसेंट डी के बाद इसको क्लोज करेंगे, आप परसेंट यू भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर के बारे में कि जो अनसाइंड इंटीजर है वो परसेंट यू होता है, थोड़ा सा रेंज इसकी ज्यादा होती है, और साइंड इंटीजर होता है परसेंट डी, इसकी रेंज थोड़ी कम होती है, तो आप परसेंट यू भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, रिजल्ट सेम आएगा। चलिए अब यहां पर हम एड्रेस ऑफ ए को ऑफ ए होल्ड करवा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और प्रिंट एफ लगाते हैं यहां पे, तो यहां लगा लिया हमने प्रिंट एफ, ठीक है, और बैकस्लैश एन पहले लगा लेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या देंगे, एड्रेस ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, क्या देंगे, एड्रेस पॉइंटर, ओके, ये दे दिया हमने, और यहां पर हम लगाएंगे कोलन, और यहां पे दे देता हूं परसेंट डी, और परसेंट डी देने के बाद पी की वैल्यू जो है यहां पे प्रिंट करवा देंगे हम। ठीक है, यहां आपको पी ही लिखना है, स्टार पी नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहां पर नीचे आते हैं, प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ पॉइंटर। ठीक है, क्या देंगे, एड्रेस ऑफ पॉइंटर, एड्रेस ऑफ पॉइंटर। आप जानते हैं कि पॉइंटर जो है किसी वेरिएबल का एड्रेस ही होल्ड करता है, तो एड्रेस ऑफ पॉइंटर परसेंट डी, ठीक है, और एड्रेस ऑफ पी, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एड्रेस ऑफ पी, तो इसको हटा देते हैं और यहां कॉमा दे करके एड्रेस ऑफ पी कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्रिंट एफ लगाते हैं। ठीक है, यहां लगाया प्रिंट एफ, और इस बार क्या करना है हमें, बैकस्लैश एन लगाना है, और एड्रेस वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर। अब हम ए की वैल्यू को पॉइंटर का यूज करके प्रिंट करवाएंगे, तो वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर, ओके, इतना कर दिया हमने, और यहां पर कोलन लगा के परसेंट डी, ओके, और परसेंट डी देने के बाद क्या, पॉइंटर पी को प्रिंट करवाना है, यहां पॉइंटर पी को प्रिंट करवाना है, तो यहां पॉइंटर पी को हमने प्रिंट करवा दिया। और यहां पर रिटर्न जीरो लगा देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब इसको सेव करने की बारी, तो यहां से मैं इसको सेव करता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंटर, ओके, डॉट सी लगाना जरूरी, तो ये दे दिया हमने। अब हम इसको कंपाइल करवाते हैं सबसे पहले, इसको सही कर लेते हैं, अब इसको सेव कर लेते हैं, और अब इसको रन करवाते हैं यहां से, पहले कंपाइल करवाया हमने, देन इसको यहां से रन करवाते हैं। ठीक है, तो ये रन हो गया हमारा।
अभी आप देख सकते हैं जो यहां पे पहला वाला पार्ट है इसमें देखिए आप प्रिंट एफ में मैंने क्या लिखा है वैल्यू ऑफ ए, यानी ए में क्या स्टोर हुआ है 50, तो ये 50 प्रिंट होकर आ जा रहा है। अब दूसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, और एड्रेस ऑफ ए को मैं प्रिंट भी करवा रहा हूं, किसको प्रिंट करवा रहा हूं एड्रेस ऑफ ए, नॉर्मली आप ये एड्रेस ऑफ सिंबल स्कैन अप में लिखते हैं प्रिंट एफ में नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो यहां एड्रेस ऑफ ए यानी पॉइंटर का जो एड्रेस है जो भी वेरिएबल का एड्रेस है उसे मैं प्रिंट करवा रहा हूं, पॉइंटर का नहीं बल्कि वेरिएबल का एड्रेस मैं प्रिंट करवा रहा हूं, तो ये वेरिएबल का एड्रेस हो गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये एड्रेस ऑफ ए जो हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया है उसके जो पी लिया है उस दोनों बराबर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी यहां पर आते हैं एड्रेस ऑफ पॉइंटर, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं इसको मैं सही कर लेता हूं थोड़ा। अब देखिए एड्रेस ऑफ पॉइंटर जो है यहां पर दिया हुआ है एड्रेस ऑफ पॉइंटर, एड्रेस ऑफ यूजिंग पॉइंटर, आप देख सकते हैं ये पॉइंटर का यूज करके एड्रेस प्रिंट किया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर यहां पर आएंगे एड्रेस ऑफ पॉइंटर, अब यहां पे पॉइंटर का एड्रेस दिया गया है और उसको प्रिंट किया गया है, और एट लास्ट क्या प्रिंट किया गया है वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर, ठीक है, तो ए की वैल्यू को पॉइंटर का यूज करके प्रिंट करवाया गया है। यहां पे देख सकते हैं यहां पे पॉइंटर पी लगा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है। अगर वीडियो समझ में आए तो इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।